दोस्तों आज जीटी के खिलाफ इतने रनों से जीतते ही एमआई करेगी सीधा प्लेऑफ में एंट्री। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, गुजरात टाइटंस को कितने रनों से हराने के बाद सीधा मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में एंट्री मारेगी, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 में अभी तक यहां पर पूरे 56 मुकाबले खेले जा चुके हैं। आईपीएल का 57वां मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए आप प्लेऑफ में जाना हर हालत में पॉसिबल होना हो जाएगा। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस इस साल आईपीएल में अभी तक 11 मुकाबले खेल चुकी है और 11 में से 6 मुकाबले उसने जीते हैं, 5 में उसे हार मिली है, 12 पॉइंट उसके और -0.255 का उनका नेट रन रेट है। इस तरीके से दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में एंट्री मारना है तो उसे हर हालत में गुजरात टाइटंस को हराना होगा। लेकिन दोस्तों गुजरात टाइटंस को सिर्फ हराना नहीं होगा बल्कि एक बड़े अंतर से भी हराना होगा। दरअसल इस समय पॉइंट टेबल में नंबर एक पर जो टीम मौजूद है वो है गुजरात टाइटंस और उनका नेट रन रेट यहां पर प्लस में है और वो भी 0.951 में। लेकिन मुंबई इंडियंस को अगर टॉप में रहना है तो उसको अपने नेट रन रेट को सुधारना होगा, क्योंकि दोस्तों 10 पॉइंट के साथ लगभग यहां पर 4-5 टीमें हैं जो अभी उससे नीचे बनी हुई हैं। ऐसे में जैसे वो मुकाबले जीतेंगे तुरंत ऊपर चले जाएंगे। इस वजह से दोस्तों अगर यहां पर मुंबई इंडियंस को टॉप फोर में एंट्री मारनी है तो उसे इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को कम से कम 50 रन या फिर 8-9 से विकेट से जीतना होगा। तो आपको क्या लगता है क्या मुंबई इंडियंस से कर पाएगी, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।